यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं। माताएं बहने, युवा बच्चे, किसान सब मिल रहे हैं, यहां आते हैं, सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपने दिल की बात रखते हैं। दो तीन चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आप जानते हो मगर मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू को, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है। बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं और इनको जो आर्मी का इथोस है, इनको वो ही नहीं।